जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्री युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी का वर्णन किया, अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसकी विधि क्या है तथा इसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली यह मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है, जिसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए हे राजन, यत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र, देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। उसी में चित्रसेन तथा पुष्पतत् गंधर्व भी शामिल थे। चित्रसेन की एक पुत्री थी जिसका नाम मालिनी था और पुष्पदत्त का एक पुत्र था जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवती के स्वरूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था, जिसके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसने अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को साप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार के साप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिसे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, वही आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा भी नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाए। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रत्ती भर और कोई सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान श्री विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवती और माल्यवान अपने स्वरूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया नाम एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिससे जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है।